वेलकम बैक गाइज ऑन अनदर वीडियो। फोल्डेबल स्मार्टफोन में सैमसंग का फोल्ड 4 सबसे ऊपर आता है। फोल्ड 4 फोल्डिंग डिवाइसेस में लीडिंग स्मार्टफोन है। 62% ऑफ मार्केट शेयर के साथ सैमसंग अपने स्मार्टफोन में सबसे आगे है, बिना कोई रियल कॉम्पिटिटर के साथ टॉप में रहा है। बट नाउ दिस इज अबाउट चेंज। अब गूगल ने अपना खुद का फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, द पिक्सल फोल्ड, एंड हम रिवील करने वाले हैं फर्स्ट लुक ऑफ द हैंडसेट। क्या गूगल सैमसंग के फोल्ड फोन से बेटर है? पिक्सल फोल्ड फोन में क्या क्या देखने को मिलेगा? क्या हमें सैमसंग से बेटर देखने को मिलेगा? लेट्स सी। जॉन प्रोसर के मुताबिक अपने फ्रंट पेज टेक में कहते हैं कि गूगल पिक्सल फोल्ड देखने को प्रीटी मच बेटर है। इसमें मेटल बॉडी एंड ग्लास देखने को मिलेगा, जो हैंडसेट को गुड बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। रूमर्स कह रहे हैं कि पिक्सल फोल्ड सेम रहेगा ओप्पो एन से एंड गैलेक्सी जी फोल्ड से बेटर रहेगा। यही हम यहां पे देख सकते हैं। सैमसंग जी फोल्ड से कवर स्क्रीन वाइड है एंड सैमसंग फोल्डेबल से मच बेटर है। सैमसंग ने यहाँ पे कवर स्क्रीन वाइड नहीं किया है, पर यूज करने के लिए उतना कम्फर्टेबल भी नहीं है। पर इस इशू पिक्सल फोल्ड के साथ नहीं होगा। डिस्प्ले एनालिस्ट रोज एंग्स के मुताबिक कवर स्क्रीन का साइज 5.8 इंच है। और एक सेकेंड चीज है जो लुक्स में सैमसंग जी फोल्ड से बेटर लगता है, वो है कैमरा। एज यू कैन सी, पिक्सल 7 प्रो के आइडेंटिकल ही ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इस लुक्स में भी फोल्ड 4 से भी बेटर लगता है। जॉन प्रोसर को स्पेक्स रिवील नहीं किया है कैमरा के रिगार्डिंग, पर इसमें पेरिस्कोप जूम कैमरा रहेगा। सैमसंग ने 4 साल हुआ अपने फोल्डेबल फोन्स को बनाते हुए, पर अभी तक पेरिस्कोप इंट्रोड्यूस नहीं किया है अपने फोल्डेबल फोन्स में। पर ये मिस्टेक गूगल नहीं करेगा। पर गूगल ने यहाँ पे एक वियर्ड चीज किया है, अंदर के स्क्रीन बेजल्स को काफी बड़े किए हैं। गूगल अंडर डिस्प्ले कैमरा यूज करना नहीं चाहता है तो एटलीस्ट पंच होल कैमरा भी दे सकता था। बेजल्स को हम काफी पीछे छोड़ आए हैं, पर अभी डिवाइसेस में बेजल्स को कोई पसंद नहीं करेगा। बट गुड थिंग इज कैमरा कहीं भी इंटीग्रेटेड नहीं है, ना ही क्रॉपी अंडर द डिस्प्ले कैमरा है। बाय द वे, इनर स्क्रीन 7.6 इंचेस डिस्प्ले रहने वाला है। पिक्सल फोल्ड में और एक ड्रॉबैक है, ये हैंडसेट थोड़ा हैवी होने वाला है। इसके एग्जैक्ट वेट बताया नहीं है, पर वेट काफी रहने वाला है। वेट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स पे, पर हैंडसेट इतना भी वेट नहीं रहना चाहिए जो हैंडसेट को ओवरऑल एक्सपीरियंस बिगाड़ दे। राइट साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है जो अपनी जगह में परफेक्ट है। पिक्सल फोल्ड 4 का प्राइस एग्जैक्टली सैमसंग का फोल्ड 4 जितना ही रहने वाला है, जो 1,40,000 होगा। गूगल का फर्स्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन है, इसलिए प्राइस थोड़ा ज्यादा लगेगा। जॉन कहते हैं कि गूगल का न्यू फोल्डेबल फोन जल्दी आने वाला है, ऑन May 2023, जो बहुत दूर नहीं है। इस फोल्डेबल फोन्स में कंपनीज में कंपटीशन बढ़ेगा एंड इसकी वजह से प्राइस भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? फॉर मोर अपडेट्स क्लिक हियर एंड ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।